सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपको कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग बताने वाला हूँ, जो कि आप स्नैपसीड एप्लीकेशन से बैकग्राउंड चेंज एंड फेस स्मूथ कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आप फोटो को शेयर करना है स्नैपसीड एप्लीकेशन पे। स्नैपसीड में शेयर करने के बाद आपको यहाँ टूल्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको टोन इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें टैप करना है आप लोग को। टैप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से इसका लाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ब्राइटनेस को एंड कॉन्ट्रेस्ट को हल्का सा बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन को माइनस रखना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से शेडो को माइनस रखना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से सही कर देना है और फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे साइड स्लाइड करके यहाँ पे 12 नंबर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ब्राइटनेस को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपको सेचुरेशन को भी माइनस रखना है एंड इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ से एक लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू एडिट पे जाना है। व्यू एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे टैप करके आप इसमें पेंसिल वाला आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे टैप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ बैकग्राउंड में आपको ब्रश कर लेना है। इतना करने के बाद आपको फोटो को यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको फिर से यहाँ टूल्स वाले आइकन पे आना है और टूल्स वाले आइकन पे आने के बाद आपको यहाँ से विग्नेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद इसका ब्राइटनेस को कुछ इस प्रकार माइनस कर देना है एंड इतना करने के बाद यहाँ से आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे टेप करना है। लेयर वाले टेप करने के बाद यहाँ पे व्यू एडिट के बाद पेंसिल वाले आइकन पे आने के बाद आपको यहाँ शर्ट के नीचे साइड आपको यहाँ पे ब्रश कर लेना है कुछ इस टाइप से। इतना करने के बाद यहाँ से आपको फोटो को डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको यहाँ से लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे जाना है। लेंस ब्लर वाले पे आने के बाद आपको इसको बैकग्राउंड साइड ले जाना है और ब्लर कुछ इतना रखना है अपने फोटो के हिसाब से और इतना करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद व्यू एडिट पे जाना है और लेंस ब्लर पे टैप करके आप पेंसिल वाले आइकन पे आना है और पेंसिल वाले आइकन पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपने फेस पे कुछ इस टाइप से अप्लाई कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ से टूल्स वाले आइकन पर फिर से टैप करना है और यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको इसको माइनस पे ले जाना है। माइनस पे ले जाने के बाद आपको यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके व्यू एडिट पर जाना है। व्यू एडिट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर आके शर्ट पे आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको फोटो
को शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन पे। चलिए मेरा फोटो आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन पे। लाइटरूम एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको यहाँ सिंपली यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके सेचुरेशन को माइनस कर देना है और मिक्स वाले पे क्लिक करके सेकंड वाले कलर पे चूज करके मुनेंस को थोड़ा बढ़ा देना है और येलो वाले पे टैप करके इसका सेचुरेशन माइनस कर देना है और ग्रीन वाले का भी सेचुरेशन माइनस कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा देना है एंड विग्नेट को माइनस रखना है। इतना करने के बाद आपको फिर से जाना है स्नैपसीड एप्लीकेशन पे। स्नैपसीड में आने के बाद आपको टूल्स वाले आइकन पे टैप करना है एंड फिर से वाइट बैलेंस वाले पे टैप करके यहाँ से आपको इसको आगे की ओर इंक्रीज कर देना है कुछ इस प्रकार। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड व्यू एडिट पे जाके आपको फिर से यहाँ पे ब्रश वाला आइकन पे आके अपने इसको एड पे रखना है। एड पे रखने के बाद इसको कुछ इस टाइप से ऊपर कुछ इतना सेट कर लेना है। तो मेरा फोटो हो चुका है रेडी, जो कि आप देख सकते हैं कितना HD और स्मूथ हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो फोर एंड आफ्टर का फ़ोटो, जो कि काफ़ी अच्छा और HD क्वालिटी में एडिट हुआ है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।